पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में, क्योंकि हमारे कोर्स में सिर्फ सीरीज है, पैरेलल के अंदर सिर्फ एक पॉइंट है, बताता हूँ क्या पॉइंट है। पैरेलल के अंदर मान लो एल और सी पैरेलल में है, करंट आया आया, कुछ करंट इंडक्टर में कुछ कैपेसिटर में, तो कुछ इंडक्टर में कुछ कैपेसिटर में। अब मैंने इसमें क्या किया, जो इंडक्टर में करंट है वो आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, और कैपेसिटर में आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अगर आपको याद हो एलसीआर सर्किट, तो कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज पीछे होती है, करंट आगे होता है, करंट आगे होता है, और इंडक्टर में वोल्टेज आगे होती है, करंट पीछे होता है, करंट पीछे होता है। ठीक हो गया यहाँ तक? तो ये इसको सॉल्व करोगे, साइन ऑफ ये माइनस बाहर निकाल लो तो पाई बाई टू आगे आ जाएगा, साइन ऑफ 90 माइनस ओमेगा टी इज कॉस ओमेगा टी, ऐसी साइन ऑफ 90 प्लस ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी कॉमन आ गया। अब अगर मैं रेजोनेंस कर दूँ तो एक्स एल किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स सी, तो करंट क्या हो जाएगा, जीरो। अब रूल नंबर टू सुनो, पहला रूल क्या था, अगर एल सी आर सीरीज में है और रेजोनेंस है तो करंट क्या है, मैक्सिमम, रेजोनेंस पे मैक्सिमम। पैरेलल में एल और सी अगर पैरेलल में है तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट क्या है, जीरो। तो ये ग्राफ प्लॉट करने को आएगा, अगर एल और सी पैरेलल में है, अगर मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा हूँ तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट क्या मार्क करना है, जीरो। ग्राफ एकदम उल्टा हो जाता है, सीरीज में पीक ऊपर है, इसमें पीक ही नीचे चली जाती है और करंट क्या हो जाता है, जीरो।